ये आसमान सभी का है, ये धरती सभी की है, लेकिन धरती से सोना वही उपजा सकता है जो मेहनत के साथ नवाचार को भी अपने जीवन का मंत्र बनाए। सोने का रंग कुछ भी हो, लेकिन इसकी चमक एक ही है। खेती में नवाचार की ऐसी ही इबारत लिख रहा है मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला। लगभग 10 लाख आबादी वाले झाबुआ जिले की गिनती पहले प्रदेश के पिछड़े जिलों में होती थी, लेकिन आज तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए यहाँ के किसान तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यूं तो झाबुआ जिले की जलवायु मध्य प्रदेश के आम जिलों की तरह ही है, इसी के चलते यहाँ के किसान भी गेहूं, चना, सोयाबीन या मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की पैदावार लेते हैं। लेकिन यहाँ की मिट्टी के गुण इस जिले को दूसरे जिलों से अलग बनाते हैं। मिट्टी की इसी ताकत को पहचाना झाबुआ जिला प्रशासन और कृषि विभाग झाबुआ के मैदानी अमले ने। किसान अपने उसी खेत से ज्यादा आमदनी कैसे प्राप्त करे, कैसे वह पारंपरिक फसलों के साथ वैकल्पिक और आधुनिक खेती को भी अपनाए, इसके लिए कृषि विभाग के आत्मा नवाचार कार्यक्रम के तहत जिले के किसान को ब्रोकली की खेती के लिए प्रेरित किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग झाबुआ के सहयोग से विकासखंड राणापुर के ग्राम भूरी माटी के कृषक भागीरथ माली ने अपने एक एकड़ के खेत में ग्रीन हेड ब्रोकोली का उत्पादन किया। ब्रोकोली एक हरी फूल गोभी वर्गीय सब्जी है, जिसका वनस्पतिक नाम ब्रेसिला आर्लेसिया और कुल क्रूसीफेरी है। यह एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके अच्छे अंकुरण के लिए औसतन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। पौधे की समुचित वृद्धि और विकास के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसकी अच्छी बढ़वार छोटे दिन और लंबी रातों में होती है, इसीलिए कृषक भागीरथ ने एक एकड़ में नवंबर माह में अपने खेत में ब्रोकोली की रोपाई की। एक एकड़ के हिसाब से कृषक भागीरथ को कृषि विभाग द्वारा लगभग 55,000 रुपए किलो के 40 ग्राम बीज उपलब्ध करवाए गए। विभाग द्वारा ही किसान को क्यारियां बनाकर पहले पौधे की नर्सरी बनवाई गई। नर्सरी में उगाए गए 14,988 पौधों को बाद में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया गया। याद रखें किसान भाइयों, ब्रोकली की रोपाई शाम के समय ही करें। रोपाई करते समय रोगी व कमजोर पौधों को निकाल दें। पौधों की रोपाई के पश्चात सिंचाई अवश्य करें। रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय गोबर की खाद को भूमि में अच्छी तरह से मिला दें। खेत में सदैव मृदा परीक्षण के पश्चात ही उर्वरकों का प्रयोग करें। किसी कारण से यदि मृदा परीक्षण न हो पाए तो नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई, उर्वरक की मात्रा में से क्रमशः नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा गोबर की खाद, जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट के साथ अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाएं। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांट लें। इसकी पहली मात्रा ब्रोकोली की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद, अगली 60 दिन बाद और अंतिम नाइट्रोजन की मात्रा 80 दिन बाद भुरकाव के रूप में दें। ब्रोकोली की कटाई, जब फूलों का आकार बड़ा, सुडोल, ठोस और गहरे हरे रंग का हो, तब ब्रोकोली की कटाई करनी चाहिए। रोपाई के 85 से 90 दिन बाद जब फसल में हरे रंग की कलियों का गुच्छा बनकर तैयार हो जाए तो उसे तेज चाकू या दनाती से ध्यानपूर्वक काटना चाहिए। ध्यान रखें कि कटाई के समय गुच्छा खूब गुथा हुआ व कसा हुआ हो और उसमें कली न खिलने पाए। ब्रोकोली की खेती में कटाई के लिए विलंब करने से फूलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अगर ब्रोकली की फसल तैयार होने पर भी समय से नहीं काटी जाएगी तो ब्रोकली ढीली होकर बिखर जाएगी और इसकी कली का रंग भी बदल जाएगा। इस प्रकार ब्रोकली के ऐसे खिले हुए गुच्छों का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलेगा और किसान को अनावश्यक हानि उठानी पड़ेगी। ब्रोकली का मुख्य गुच्छा 100 ग्राम से 1 किलो तक का होता है। इसी प्रकार एक हेक्टेयर से 150 से 200 क्विंटल तक की आप उपज प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य बाजार में ब्रोकली का भाव आपको 60 से लेकर 150 रुपए किलो तक मिलता है, जिससे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। कृषक भागीरथ इसकी एक मिसाल हैं। ब्रोकली क्या एक प्रकार की झाबुआ जिले में नई फसल है, इस चीज को कोई जानता ही नहीं था, तो इसका थोड़ा जो हम हर बार गोभी लगाते उससे ज्यादा बेनिफिट मिला। मैं तो डर रहा था पहली बार कैसे होगी कैसे नहीं, हम इस चीज को जानते ही नहीं थे, पर सर ने बताया कि तो सेम गोभी जैसी रहेगी पर इसका कलर रहेगा ग्रीन, तो हमने फिर लगाई।
सर हमको समय समय पे पूरी जानकारी देते रहे, अनुभव देते रहे, उसके वजह से हम करते रहे तो हमको अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि नई फसल है और इसको लोग पोषक तत्वों में जान के दो पैसा हमको ज्यादा देते हैं। ब्रोकोली से स्वास्थ्य लाभ। ब्रोकोली सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि पोषक तत्वों का समावेश है। यह कई बीमारियों से बचाव के साथ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कम करती है। इसमें शक्तिशाली फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। ब्रोकोली को पकाकर या फिर कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन उबालकर खाने से इससे ज्यादा लाभ मिलता है। इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, विटामिन ए और सी पाया जाता है जो सब्जी को पौष्टिक बनाता है। यह बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट गंभीर बीमारी और बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होते हैं। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य को बनाए रखता है। क्रोमियम मधुमेह नियंत्रण और शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। बीटा कैरोटीन आंखों में मोतियाबिंद और मस्कुलर डिजनरेशन को रोकता है। यौगिक सल्फेरोपेन यूवी रेडिएशन के प्रभाव से त्वचा को हुए नुकसान और सूजन को कम करने में सहायक होता है। आयरन और फोलेट शरीर को एनीमिया और अल्माइजर से बचाते हैं। कैरेटिनॉइड ल्यूमिटीन हृदय की धमनियों को मोटा होने से रोकता है जिनसे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। इसमें लो कैलोरी होने से वजन भी कम होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। झाबुआ जिले में पहली बार लगाई गई ब्रोकली की फसल को जब स्थानीय कृषि मेले और ग्रामीण आजीविका मिशन की कला दीर्घा में प्रदर्शित किया गया तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा किसान भागीरथ की मेहनत को खूब सराहा गया। दूसरे किसान भाइयों के लिए यह एक नई फसल भी थी, इसीलिए उनकी खुशी और आश्चर्य भी यहाँ पर देखने को मिला। वहीं कई दूसरे किसान भाइयों ने भी इस तरह की खेती में अपना उत्साह दिखाया। शुरुआत में हमने भी बड़े फूक फूक के कदम उठाया कि किसी प्रकार की हमारे स्तर पर गलती नहीं हो जाए, क्योंकि यदि एक बार प्रयोग फेल होता तो उससे किसान का विश्वास जो हो वो भी विभाग से के प्रति थोड़ा सा कमज़ोर होता है और हमारा भी हौसला उसमें थोड़ा सा कमज़ोर होता है। सौभाग्य से ये फसल हमारे झाबुआ जिले में हमको सफल होती हुई दिखी और जैसे ही इसके फूल पकने की स्थिति में आए तो संयोग से उसी दरमियान हमारे यहाँ एक कृषि मेला लगने वाला था 27 और 28 फरवरी को, तो हमने कृषि मेले के अंदर इसको स्टॉल के रूप में वहाँ पर रखवाया। और दूसरा, चूंकि ये ब्रोकोली का पहली बार कल्टीवेशन हुआ था तो इस पहली बार के कल्टीवेशन में इसको पूरा विशुद्ध रूप से हमने जैविक खेती जैविक रीति से इसका कल्टीवेशन करवाया। तो स्टॉल में जब इसको रखा तो झाबुआ जिले के जो हमारे विभिन्न विकासखंडों से किसान आए थे वो किसान देख इस नई फसल को देखकर बड़े आश्चर्यजनक रहे और किसान ने जो एक नया प्रयोग किया था तो किसान का उत्साह देखकर भी दूसरे किसान इसके प्रति अच्छे आकर्षित भी हुए, उन्होंने प्रेरणा लेने का भी मन बनाया। झाबुआ जिले को खेती में उन्नत बनाने की जिला प्रशासन की यह पहल अब धीरे धीरे कामयाब होती नजर आ रही है। प्रशासन का यह प्रयास है कि भागीरथ की तरह ही जिले के अन्य किसान भी इस तरह की खेती को अपनाकर आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। कृषि विभाग ने प्रयास किया था कि कुछ किसानों को ब्रोकली की फसल के लिए प्रेरित करें। रानापुर क्षेत्र में एक किसान है भागीरथ, जिन्होंने एक एकड़ में ब्रोकली की फसल इस बार ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक वो करीब 10-12 क्विंटल का अपना उत्पाद बेच चुके हैं और उम्मीद ऐसी है कि उनको करीब करीब 30-35 क्विंटल का टोटल यील्ड प्राप्त होगी। इनके जो प्रयास हैं उनको देखने के लिए कई किसान आ रहे हैं और चूंकि ये बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो ये शहरों में तो बहुत पॉपुलर है और अब ग्रामीण क्षेत्र में भी और ख़ासतौर से अलीराजपुर एंड झाबुआ में भी इसकी बिक्री अच्छी हो रही है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इनके प्रयासों को देख के अन्य किसान भी इस ओर अपना कदम बढ़ाएंगे और ब्रोकली की फसल लेंगे। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि विभाग झाबुआ और जिला प्रशासन की यह पहल अब रंग ला रही है। झाबुआ जिले के किसान भागीरथ का यह भागीरथी प्रयास अब उन्हें जिले के दूसरे किसानों से अलग बना रहा है। यह कदम अब संपन्नता की राह पर बढ़ रहे हैं, भविष्य की नींव अब मजबूत हो रही है। आइए हम भी किसान भागीरथ की तरह अपनी खेती में नवाचार को अपनाएं, उन्नत खेती कर अपने जिले का मान बढ़ाएं।